जैसे सनातन धर्म में होली दिवाली का महत्व है, रामनवमी जन्माष्टमी का महत्व है, ऐसे हमारे भारतीय नेपाली भाषा भाषी जो भारत के नागरिक हैं वो यहाँ तो मना रहे हैं, नेपाल में भी मना रहे हैं, पूरी दुनिया में हरितालिका तीज मनाते हैं। तो एक करोड़ों लोगों का पर्व है और सनातन धर्म का एक उत्सव है हरितालिका तीज, और इसको ऐसे ही भारत में महिमा देनी चाहिए जैसे हम गणेश उत्सव को देते हैं। और ये सनातन का गौरव काल है और गुलामी की निशानियां मिट रही हैं और मिटेंगी, सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित तो होगा, और सनातन धर्म को जो खत्म करने की मनसा लिए, सनातन को जो कोस रहे, सनातन के ऊपर जो लांछन लगा रहे, 2024 में उनका मोक्ष तो होगा ही होगा, उनका पुनर्जन्म भी नहीं होगा, वो ब्रह्म राक्षस बनेंगे, भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी बन करके किसी दूसरे तीसरे लोक में रहेंगे, आगे उनका सर्वाइवल भी नहीं होगा। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म पर लांछन लगाते हैं कि ये तो ब्राह्मण तंत्र है, ये तो साम्राज्यवादी पूंजीवादी सोच है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ जाति है ही नहीं, ब्राह्मण का अर्थ है जो अज्ञान से बचाए, क्षत्रिय का अर्थ है जो अन्याय से बचाए, वैश्य का अर्थ है जो अभाव से बचाए, और शूद्र का अर्थ है जो अपवित्रता को खत्म करके शुचिता के प्रतिमान स्थापित करे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति सूचक शब्द नहीं है, ये सामर्थ्य और योग्यता सूचक शब्द है। चातुवर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह, कुंभ का काम करे तो कुंभकार, लोहार लोहे का काम करे तो लोहार, स्वर्ण का काम करे तो स्वर्णकार, धोने का काम करे तो धोबी, और भाई स्वामी रामदेव तो ऑल इन वन है, हम स्वर्णकार हैं, हम सोने जैसा भारत बनाना चाहते हैं, लोहे जैसी चोट मार करके खोट ठीक करते हैं, इसलिए लोहार हैं, हम जो है नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, घड़ रहे हैं भारत का, इसलिए हम कुंभकार हैं, और हम अज्ञान को दूर कर रहे हैं इसलिए ब्राह्मण हैं, हम अन्याय को भी दूर करते हैं इसलिए क्षत्रिय हैं, हम अभाव में मिटा रहे देश में इसलिए वैश्य भी, और हम रोज सेवा करते हैं इसलिए शूद्र नहीं महाशूद्र भी हैं। तो हमारे भीतर ये चारों वर्णाश्रम धर्म हैं, वर्णाश्रम धर्म के नाम पर भारत में कोई भेदभाव नहीं है, और जातिवादी भारत का सनातन कभी नहीं रहा, जो जातिवाद का कलंक लगाते हैं, भेदभाव का कलंक लगाते हैं, हमारे यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों को बराबर अधिकार है, और जन्म के आधार पर सनातन में जाति व्यवस्था है ही नहीं। दुर्भाग्य से हमारे कुछ ग्रंथों में, वेदों को छोड़ करके कुछ ग्रंथों में जरूर कुछ लोगों ने मिलावट की और कुछ लोगों ने गलत व्याख्या की है, और यदि किसी कालखंड में किन्हीं व्यक्तियों ने कोई दोषपूर्ण कृत्य किया हो तो सनातन दोषी नहीं, वो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार और अपराधी हैं। इसलिए सनातन पर कोई लांछन लगाता है, सनातन को कोई कलंकित करने की कोशिश करता है, तो हम उसको ना तो बर्दाश्त करेंगे, और ये देश ही उनको खुद जवाब दे देगा, राजनीतिक तौर पर भी ये देश जवाब देने में सक्षम है, और हम सामाजिक तौर पर भी, बौद्धिक तौर पर भी हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। जो भारत ये धर्म अध्यात्म और सनातन परंपरा पर जो प्रहार कर रहे हैं वो बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं, मुझे लगता है उनके DNA में कुछ गड़बड़ी आ गई। स्वामी जी, पुरानी संसद में आज आखिरी दिन है, किस तरह से याद करते हैं? प्रधानमंत्री ने भी बहुत भावुकता के साथ वो क्षण याद किए जब से हमें स्वतंत्र मिला है। नए भारत का निर्माण हो रहा है और इसमें नए संकल्पों के साथ अब वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर तो मुझे लगता है पूरा जोर होगा। महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। बहनों, अब आप मीडिया में ही नहीं सब जगह छाई रहोगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो छा गई हो, अब संसद में भी छाओगी। तो माताओं बहनों को हमारा अभिनंदन, उनको जरूर जो है एक प्रश्रय मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। 30 क्यों, मैं तो कहता हूँ 50-50 भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। और अगली बात रही समान नागरिक संहिता की, वो तो होना ही चाहिए, एक देश एक कानून। और उससे भी बड़ी बात, देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून अवश्य बनना चाहिए, लिमिटेड साधन। तो फिर अनलिमिटेड जनसंख्या पॉपुलेशन कैसे किसी देश में समा सकती है? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होने से भारत के पासपोर्ट की, भारत के वीजा की जो है
वैल्यू बढ़ेगी, भारत की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, भारत समर्थ बनेगा। अभी भी भारत में 60 करोड़ लोग बहुत सक्षम हैं, 80 करोड़ लोग थोड़े कमजोर हैं, उनको और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। लेकिन आने वाला वक्त ऐसा है, इसमें जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे काम होंगे तो नई संसद से एक नए भारत का, अब इंडिया नहीं होगा, अब भारत होगा। हाँ, पहले न्यू इंडिया करते रहते थे, और इंडिया दैट इज भारत। पतंजलि ऐसी संस्था है, 30 सालों से मेड इन भारत लिखने वाला केवल पतंजलि था, अब चारों तरफ भारत भारत की जय जयकार हो रही है, भारत माता की जय। धन्यवाद, हो गया। आप देखते हैं इस पूरे द्वंद को, इंडिया बनाम भारत, आपको लगता है कि या इंडिया कौन जीतेगा 2024 में? इंडिया अलायंस। देखो, आजकल हम राजनीतिक रूप से एकदम आनंद में है, न पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। लेकिन भारत की और इंडिया की बात आएगी तो हम भारत के पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि भारत ये हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ शब्द है, हमारी इसमें एक सांस्कृतिक विरासत है। अरे, राजनीतिक विरासत बनती बिगड़ती रहती है, आर्थिक विरासत भी ढहती रहती है, सच्ची विरासत है सांस्कृतिक विरासत, और वो सांस्कृतिक विरासत प्रतिबिंबित तो होती है भारत शब्द में। इसलिए भारत शब्द का प्रयोग होना चाहिए, उसमें गौरव होना चाहिए। जिन लोगों को अभी भी मानसिक और वैचारिक गुलामी है ना, उनको इंडिया शब्द अच्छा लगता है। इसलिए शब्दों के पीछे भी एक बहुत हमारी गहरी इमोशनल कनेक्टिविटी, और उसकी भी जड़ें, जैसे श्रद्धेय आचार्य वाक्षण जी ने कहा कि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक अतीत होता है। इसलिए भारत और भारतीयता की जय जयकार होगी। और कुछ बात क्या है? स्टालिन को कुछ मशवरा दे दीजिए। और ये साहब क्या मशवरा दे रहा है? मुझे लगता है पोते को दादा के पास जाने की कुछ ज़्यादा ही तलब लगी हुई है। भगवान उन सब का सभी प्रकार से जल्दी मोक्ष करें, उनका पिंडदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी सनातन वैदिक संस्कृति है, और यह भगवान माता पार्वती जी के साथ जोड़ करके इस पर्व को मनाया जाता है। भगवान शंकर के लिए सज धज करके उन्होंने इस पर्व को किया था, और विशेष करके बहनें, क्योंकि अपनी माइकियाँ के साथ भी इसका संबंध है, तो यह एक तरह से देखा जाए तो तीज का त्यौहार बहनों का त्यौहार है, और बहनें बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करती हैं सावन में, जो झूलों के साथ में और उत्सव के साथ में घर जा करके उमंग मना करके अपनी सखी सहेलियों के साथ में, जो पहले से जो बचपन था उस तरह से लौट करके आता है। तो वस्तुतः यह आनंद का, उल्लास का और आमोद प्रमोद का है, और विशेष कर करके बहनों के लिए, और भगवान शंकर और पार्वती के साथ जोड़ करके ये जुड़ी हुई परंपरा है। तो ये हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा हमारे यहाँ सभी चीज़ें, वहाँ पर विज्ञान है, उल्लास है, उत्सव है, और हमारी उसके साथ साथ में जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, परिवार समाज को जोड़ने वाली बात भी है। सनातन की बात कर रहे हैं स्वामी जी, और सनातन को इतना प्रहार किया जा रहा है। 1.5 करोड़ नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।